बाल विकास एवं अध्यापन विधा या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का वीडियो नंबर फर्स्ट फॉर यूपी टेट सीटेट प्राइमरी एंड जूनियर लेवल एंड यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए। इसमें हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कि बाल विकास का इस वीडियो में देंगे केवल इंट्रोडक्शन, यानी कि बाल विकास के बारे में थोड़ी सी पॉइंट बताए जाएंगे कि बाल विकास के क्या क्या टर्म्स हैं। तो वीडियो नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं और ये यूज़फुल रहेगा यूपी टेट सीटेट एंड प्राइमरी लेवल एंड जूनियर लेवल एंड यूपी प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। तो बाल विकास से संबंधित पॉइंट होता है कि जो मानव जब जन्म लेता है तो उस समय पे एक भ्रूण के रूप में होता है, ठीक है। ये मनुष्य एक छोटे से भ्रूण के रूप में जन्म लेता है और वृद्धि तथा विकास के द्वारा क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, वयस्क की अवस्थाओं से विकसित होकर जीवन यापन करता है। यानी कि जब जन्म लेता है उसके पश्चात से वह शिशु कहलाता है, उसके बाद बालक, फिर किशोर, फिर वयस्क आदि अवस्थाएं उसकी होती है, ठीक है। स्पष्ट है कि बाल व्यवहार के अध्ययन में अभिवृत्ति और विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बाल व्यवहार, बालक का जो व्यवहार है उसमें बाल व्यवहार के अध्ययन में अभिवृत्ति यानी होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ एंड विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। अभिवृत्ति और विकास का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों का अभिप्राय है अभिव्यक्ति यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। और अभिवृत्ति का आशय केवल आकार के बढ़ने से होता है। अभिवृत्ति यानी कि ग्रोथ का जो आशय होता है केवल आकार के बढ़ने से होता है। अभिवृत्ति को कहा जा सकता है कि केवल आकार बढ़े, ठीक है। आकार के बढ़ने में अथवा अभिवृत्ति में केवल शरीर की लंबाई, आकार के बढ़ने से क्या कह सकते हैं, केवल शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि ही नहीं आती बल्कि इसमें शरीर के विभिन्न बाह्य अंगों जैसे हाथ, पैर, धड़, सिर इत्यादि तथा आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क इत्यादि का बढ़ना भी शामिल होता है। यानी कि ये पॉइंट क्या क्या, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, बाह्य अंगों जैसे हाथ, पैर, धड़, सिर और आंतरिक अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क आदि का बढ़ना भी किस में आता, अभिव्यक्ति यानी ग्रोथ में आता, ग्रोथ के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि विकास की बात की जाए, इसी प्रकार विकास का तात्पर्य शरीर के विभिन्न अंगों के रूप और परस्पर संबंध में परिवर्तन से होता है, ठीक है। विकास का जो तात्पर्य है शरीर के विभिन्न अंगों के रूप और उसके परस्पर संबंध में परिवर्तन से माना जाता है। विकास से व्यवहार में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती है। विकास से जो व्यवहार है, व्यवहार चेंज होता है, ठीक है। व्यवहार में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है। परिपक्वता का तात्पर्य उस वृद्धि अथवा विकास से होता है, उस वृद्धि अथवा विकास से होता है जो किसी व्यवहार में दिखाई दिए जाने लगता है, जो किसी या आने वाले व्यवहार में दिखाई देने लगता है। जैसे कि छोटा बच्चा था वो स्टार्टिंग में अलग व्यवहार होता था, रोना चलना था, ठीक है। तो उसका व्यवहार चेंज होता जा रहा है, अलग अलग आदतें उसमें आती चली जाती हैं, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार जैसे जैसे चेंज होता, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका व्यवहार चेंज होता चला जाता है। तो इसको कहेंगे कि ये जो कारण है वो विकास के कारण है। विकास से व्यवहार में मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता आती है, ठीक है। तो उस व्यवहार का में चेंज होना यानी कि व्यवहार में परिवर्तन ही यानी कि परिपक्वता तो विकास का एक मुख्य पार्ट आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसकी के आगे यानी कि इसके बाद ही विशेष प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन के पश्चात पहले आवश्यक है व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना और उसके बाद ही विशेष प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं चलने में शरीर के विभिन्न अंगों के समायोजन की आवश्यकता होती है। जैसे शिशु चलना प्रारंभ करता है तो शरीर के सभी अंग, कई अंग उसमें काम करते हैं, तो उनमें आपस में समायोजन होना बहुत आवश्यक है, यानी कि एक दूसरे के साथ उसमें कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। यह तभी संभव हो सकता है कि जब बालक
वृद्धि और विकास की एक विशेष अवस्था पर पहुंच चुका होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट तभी संभव हो पाता है जब बालक वृद्धि एवं विकास की एक विशेष अवस्था पर पहुंच पाता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास यानी कि दोनों साथ साथ होता है तभी इसका डेवलपमेंट कंप्लीट डेवलपमेंट माना जाता है। एक होते हैं कि शरीर बढ़ जाता है, मस्तिष्क नहीं बढ़ा, व्यवहार में चेंजिंग नहीं आया, तो वो उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम वाले बच्चे कहा जाता है। जैसे कि ठीक है, आप समझ हो सकता है कि जैसे कि जिसका केवल बॉडी बॉडी बढ़ जाए, काफ़ी आकार भी बढ़ जाए, एज भी बढ़ जाए, सब कुछ बढ़ जाए, शरीर बढ़ता रहे परंतु व्यवहार ना बढ़े ना, यानी कि विकास ना हो, उसके मस्तिष्क का विकास ना हो, तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं तो वो बहुत एज में होने के बावजूद भी छोटे बच्चों की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी कि उनके जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हुआ होता है। अब आ जाती है कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। जो अभिवृद्धि होता है उसको ग्रोथ कहा जाता है, अभिवृद्धि एवं विकास। तो ये तो दो पॉइंट थे स्टार्टिंग करने के लिए। अब आता है वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। सामान्यतः व्यक्ति के लिए वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में सामान्यतः साधारण व्यक्ति के लिए वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो वृद्धि और विकास में भी कई अंतर दिखाई देने लगते हैं। वो क्या होता है देखिएगा, जैसे अंतरों का वर्णन किस प्रकार किया गया है, कुछ हम इसमें अंतर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि वृद्धि की प्रक्रिया तो विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा जाता है। वृद्धि की प्रक्रिया को विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा जा सकता है, यानी कि वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का ही एक पार्ट होता है। और अतः वृद्धि शब्द बहुत विस्तृत न होकर सीमित अभिप्राय है, जबकि विकास शब्द स्वयं में ही बहुत विस्तृत शब्द है, यानी कि वृद्धि शब्द विकास का एक छोटा सा पार्ट माना गया है, या वृद्धि जो है विकास का ही एक छोटा सा पार्ट या भाग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें, वृद्धि की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन भर न चलकर एक विशेष आयु तक ही जारी रहती है। अब देखिए, वृद्धि जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन भर न चलकर विशेष आयु तक ही जारी रहती है। इसके पश्चात शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, अर्थात शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने की बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास का मेन जो डिफरेंट है वो ये है, क्योंकि वृद्धि विकास का ही एक पार्ट होती है। वृद्धि जैसे शारीरिक वृद्धि से संबंध अगर हम रखते हैं कहते हैं तो वह एक निश्चित एज तक ही होता है, यानी कि शरीर का विकास एक निश्चित आयु तक ही हो पाता है, उसके बाद वह रुक जाता है। जबकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात भी यह प्रक्रिया जारी रहती है, यानी विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। नेक्स्ट, वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है, इन्हें मापा तोला भी जा सकता है, जैसे कि भार कितना बढ़ गया, कद कितना बढ़ गया, लंबाई कितनी बढ़ गई। तो ये हैं वृद्धि के परिवर्तन, इनको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। जबकि विकास का जो गुणात्मक पक्ष है, यानी कि वो उसको दृष्टि गोचर हो तो नहीं हो सकता, यानी कि जो विकास का जो गुणात्मक पक्ष है उसके होने का कारण दृष्टि गोचर नहीं हो सकता है, इन्हें महसूस किया जा सकता है। ऐसा हम व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करके कर सकते हैं, यानी कि जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, मैच्योरिटी पाता चला जाता है, धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है, तो उसी से हम विकास का पता लगा सकते हैं, यानी कितना इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। वृद्धि शब्द का प्रयोग अधिकतर परिमाण या मात्रा के परिवर्तनों के लिए किया जाता है, अर्थात व्यक्ति के कद, भार, आहार, शरीर आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि के अंतर्गत अर्जित किया जाता है। जबकि विकास शब्द न केवल मात्रा या परिमाण संबंधी
परिवर्तनों के लिए लिया जाता है, बल्कि यह बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में उन्नति के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात इसे परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पक्ष शामिल होते हैं। इसमें यानी कि जो विकास है उसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। अब छोटा सा पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट देते हैं, अभिव्यक्ति एवं विकास के अंतर को एक उदाहरण के द्वारा इस प्रकार भी समझाया जा सकता है। जैसे कोई बालक मोटा होता है तो उसका भार बढ़ता है, यह अभिवृद्धि है, किंतु विकास नहीं कहते हैं। विकास बहुआयामी है क्योंकि इसमें अभिवृद्धि की तरह मात्र परिणात्मक वृद्धि का लाभ ही नहीं अपितु परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के परिवर्तनों का भी नाम होता है। बालक के व्यवहारों में सुधार आना विकास का एक अंग है। विकास की दूसरी विशेषता यह है कि वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी रुकावट नहीं आती इसमें कभी रुकावट नहीं आती यानी विकास की प्रक्रिया में कभी रुकावट नहीं आती, यह जीवन भर चलता रहता है, जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित अवस्था में जाकर विराम प्राप्त कर लेती है, यानी कि अभिवृद्धि एक निश्चित अवस्था तक ही होती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।